जहाँ जाना था वहाँ पे तकरीबन चौकी लगी हुई थी, तो आगे जाने नहीं दिया, वापस मुड़ के आ गए। ये दूसरी जगह आ गए जो थोड़ा जमजम टावर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, तो बस यहीं पे आके बैठ गए हैं। पहले हमारा जो काम था वो था मुईज़ भाई को साथ ले जाना। मुईज़ भाई भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? भाई अखबार इन शाह सोवीन, ये मोहित भाई है यमन से हैं। बस जल्दी जल्दी में ये समोसे लेके पानी लेके ऊपर चढ़े हैं, अभी आज़ान तकरीबन हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूँ अब्दुल करीम और आज जो हमारा व्लॉग है वो है अफ्तारी करने का। आज मैं जा रहा हूँ अफ्तारी करने जबल खंदमा की तरफ, इंशाल्लाह वहाँ जाके आप लोगों को हरम का नज़ारा वहाँ से दिखाएंगे, आप लोग भी देखना। और आज 29 रोजे की रात है, मतलब लैलतुल कद्र में आती है 29 भी। पहले हमारा जो काम था वो था मुईज़ भाई को साथ ले जाना। मुईज़ भाई भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? भाई अखबार وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسبول فلك المحامد والممادح في मेरे भाइयों, आज असल में हो गया सीन, जहाँ जाना था वहाँ पे तकरीबन चौकी लगी हुई थी, तो आगे जाने नहीं दिया, वापस मुड़ के आ गए। ये दूसरी जगह आ गए जो थोड़ा जमजम टावर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, तो बस यहीं पे आके बैठ गए हैं, और कोई जगह नहीं मिली, फिर समझ में भी नहीं आया, क्या कर सकते हैं, नसीब की बात है। प्रोग्राम तो था लेकिन असर के बाद नींद ऐसी आ गई कि पता ही नहीं चला। बस जल्दी जल्दी में ये समोसे लेके पानी लेके ऊपर चढ़े हैं, अभी आज़ान तकरीबन हो गई है, बस अफ्तारी करके आप लोगों से बात करते हैं फिर, ठीक है? तब तक के लिए ब्रेक। सामने जमजम टावर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली, नमाज पढ़ ली और अभी घर वापस जाने का इरादा है, क्योंकि अंधेरा हो गया और जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे लाइटिंग सिस्टम भी नहीं है। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।